find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Hi everyone, today is July 30th, 2024 obviously. So आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आज हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं वहाँ पे, काफ़ी हद तक सामान वहाँ पे लेके जा चुके हैं, जो आपको ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं. सो बेसिकली घर टूटना अब शुरू हो गया है. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. ये देवताओं तो पानी पीएंगे, ये मैंने पीने वाला पानी है भाई, खा के गए तो पानी पीएंगे. अरे वो वाला अमृत है दूसरा. सो बेसिकली थोड़ी सी ईंटें निकाल के, बाकी यहाँ पे धूप जगा के, और ये औजार है जैसे कि ये दोनों, इसके ऊपर भी हमने एक छोटी सी प्रे करी है. मीन्स नाउ वी कैन स्टार्ट. बेसिकली इसलिए होती है कि एक्चुअली द अर्थ इज ऑफ अस, इट इज एक्चुअली ऑफ गॉड. सो एक तरह से पूजा करते हैं, सेम वे जब नीचे ज़मीन के ऊपर करेंगे तब भी ये सेम चीज होगी, बिकॉज आई थिंक इट्स एक्चुअली जल देवता, स्नेक्स, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वर्ड क्या है, सो उनकी होती है. सो उसके लिए छोटी सी पैसे सिंपल से पूजा करते हैं एंड देन काम शुरू करते हैं. सो हाँ चलो अच्छी बात है, बाबा के नाम लेके काम शुरू किया है, बाद से घर टूटना शुरू हो जाएगा. हो गया है, इनफैक्ट आवाज़ आ रही है. लेट्स सी कितना टाइम इस चीज़ को लगता है एंड देन बाकी की जो चीज़ें वो आपके साथ शेयर करेंगे. पिछले शॉट में आपने देखा होगा कि घर यहाँ पे टूटना शुरू हो गया था, तो मैं आज घर पे आया हूँ, मैं कल आ नहीं पाया था और मैं छोटा सा टूर रिकॉर्ड कर लूँ जो पिछली बार हमारा रह गया था, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा था बिल्कुल भी. तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा फटाफट से टूर दिखा देते हैं कि इस टाइम क्या चल रहा है, कैसा हाल है. टूर देखो घर का, हमारे पुराने वाले, उसका सीधा नए वाले का दिखेगा. आओ जी, ये बाहर से घर था अपना, ये ज़्यादा नहीं था, बस फर्स्ट फ्लोर था, ऊपर छत थी, उसके ऊपर माउंट थी. और अब आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली कैसा था घर अपना. खैर थोड़ा भी मेस्ड अप, थोड़ा भी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप होगा, वायरिंग भी निकल चुकी है, कि टूटना स्टार्ट हो चुका है. ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी, छोटा सा स्टोर रूम था हमारा, तो आप हालत देख सकते हो अभी घर की क्या हो गई, क्योंकि टूटना स्टार्ट हो गया. यहाँ पे उन्होंने होल कर दिया, गेट खोलते हैं, अंदर से दिखाता हूँ. वायरिंग नहीं है, डे लाइट में जितना आ पाएगा मैं उतना ही दिखा पाऊँगा. तो ये तो था जी हमारा बेड़ा, जहाँ पर मैंने छोटा सा एक गार्डन रखा हुआ था. ठीक है, इसके बाद चलते हैं अंदर. ये लॉबी एरिया आ गया, या कह लो डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, कुछ भी कह लो आप. कई पहले हमारा डाइनिंग टेबल यहाँ पे पड़ा होता था, बहुत पहले, उसका हमने डाइनिंग टेबल ही हटा दिया था. दिस वॉज द किचन, ये हमने रिसेंटली रेनोवेट कराई थी अभी 2 साल पहले, मैं रिसेंटली बोल रहा हूँ 2 साल. तो हमने क्या करा, कबड़ उतार के कहीं और रख दिए, क्योंकि ऐसे कैसे ही कबड़ उतर गए तो वो हमारे यूज़ हो पाएंगे आगे, जो हमने फर्दर रेंटल के लिए फ्लोर बनाना है उसमें. दूसरे चलते हैं. ये था जी हमारा ड्राइंग रूम, या कह लो लिविंग रूम. दिस वॉज द बिग एरिया, मेस्ड अप है थोड़ा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा. तो सामने टीवी था, ये कॉर्नर यहीं पे पड़ा होता रहा, उधर मेरा बार था. तो ये हमारा लिविंग रूम, और निकलते निकलते मेरे को अपनी फैमिली फ़ोटो भी दिखी,
बहुत पुरानी है, प्रॉब्ली मैं शायद 10th या 11th में होगा उस टाइम पे। और ये दो बेडरूम और एक वॉशरूम था इसमें, सामने इज द वॉशरूम, इसके बाद अपने पास ये एक बेडरूम। हालत बहुत लाइट वेट बिल्कुल ज़ीरो ही पड़ी है। और ये बड़ी सी अलमीरा, एंड ये रहा सेकंड बेडरूम। डिसेंट साइड रूम थे, बहुत बड़े नहीं थे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़े रूम्स थे। तो ये था ये हमारा नीचे का जाम रहते थे, जो अब पूरा बदलने वाला है वो आप देखोगे आने वाले टाइम में, फिर टूटना स्टार्ट हो चुका है। तो दिस वॉज द सेकेंड सरप्राइज जो हमने अनवील करना था। और मैं आपको एक बार फर्स्ट फ्लोर का एरिया भी दिखाया था। एग्जैक्टली फर्स्ट फ्लोर पे भी ये दो रूम, एक वॉशरूम एक किचन था, तो वो रेंट पे गया हुआ था, मैं आपको वो भी दिखा ही देता हूँ। छत पे जस्ट एक रूम था, पापा वहाँ पे काम कर रहे थे, मतलब जो घर से काम करते थे वहाँ से कर रहे थे, बाकी शॉप पे जो होता था होता ही था। ये जी फर्स्ट फ्लोर का एरिया, यहाँ पे मम्मी की सारी प्लांटेशन वगैरह। और एक रूम यहाँ पे ये वाला था, एग्जैक्ट नीचे रूम के ऊपर रूम है। और इसके बाद एक रूम ये वाला जो हमारा स्टोर रूम है, आपने पिछले शॉर्ट्स में देखा ही होगा। ओह दमन की फ़ोटो पुरानी। ये एक किचन थी, ये एक वॉशरूम, और ये पार्टीशन के पीछे ही एक और वॉशरूम जो उस रूम से कनेक्टेड है। ये फर्स्ट फ्लोर एरिया। और इसके बाद आपको थोड़ा सा छत का भी आइडिया देता हूँ। ये हम आगे जी छत पे, जहाँ पे एक और हमारा स्टोर रूम है। कल उन्होंने जो बस 5 ईंटें निकाली थी, ये ऊपर ममटी है हमारी। 15 अगस्त यहीं हुआ करती थी जब मैं बहुत छोटा था, तो अब तो है 15 अगस्त मनाते हैं, मेरे को पतंग उड़ानी भी आती सही से। तो ये था जी हमारे पुराने घर का छोटा सा टूर, नए घर का टूर आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये वीडियो तकरीबन 1 महीने बाद आ रही है, रीज़न उसका यही है कि पिछले महीने हम काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे, क्योंकि मूविंग वगैरह करनी थी, सामान पैक करना था, काफ़ी सारा काम था। और लोग हम 4 ही लोग हैं, कितने कर पाएंगे। दमन स्टूडियो जाता है कभी कभी, मैं भी स्टूडियो चले जाता रहा, पापा शॉप पे होते रहे, 5 लोग हैं टूटी सॉरी। तो हरप्रीत और मम्मी पूरा दिन करते रहे, और मम्मी ऑफकोर्स ज़्यादा एक्सर्शन नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा काम ही एवरीडे होता था। तो उसमें इसीलिए हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए कि एवरीडे सेम चीज़ हो रही है, बस पैकिंग 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 हो रही है, तो आपको क्या दिखाएं। तो इसलिए एज सून एज मूविंग का स्टार्ट हुआ है, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, तो इसके बाद अब वीडियोज़ दोबारा रेगुलर हो जाएंगी। तो दिस वॉज द सेकेंड सरप्राइज जो कनाडा जाने से पहले हमारा था, जिससे कारण हमारा कैंडल लेट हो रहा था। इसके बाद लास्ट और थर्ड सरप्राइज रह गया है, जो मेरा सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों कनाडा जाने को मैं लेट हुआ हूँ, और वो ज़रूरी भी था। मतलब मैं इस बार कुछ अलग सोच के कनाडा जा रहा हूँ वापस, तो इसलिए वो रीज़न बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने टाइम भी दिया कि कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा लग रहा है, बट चीज़ ढंग से करके जाएंगे, ताकि इस बार हमें कुछ बेटर दिखे वहाँ पे। तो ये घर का टूर था, आपको कैसे लगा ज़रूर बताना। इस घर में भी ज़्यादा नहीं, मेरे तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 31 साल ही निकले हैं, 30 साल एक्चुअली, 1 साल तो हम कैनेडा में थे तो इस घर में मेरे से 30 साल निकले हैं। ये घर बना था 92 में, 93 का मेरा बर्थ है, तो उस बर्थ से थोड़ा पहले ही मूव हुए थे यहाँ पे। अब उस हिसाब से थोड़ा मॉडर्न के हिसाब से बनेगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये तकरीबन 32-33 साल पुराना घर है, तो उसके हिसाब से बना हुआ था, अब नया बनेगा, तो इतने टाइम बाद बन रहा है घर हमारा। तो वापस आए हैं, घर की हालत अब कुछ ऐसी हो गई है, घर खुल गया पूरा, खुल गया का मतलब है कि काफ़ी हद तक टूट चुका है। तो आपको अब दिखाता हूँ घर की हालत क्या हो रही है। ये विंडो निकल गई, ये भी विंडो निकल गई, मेन गेट भी निकल गया। तो सुबह मैं आया था ये देखने के लिए कि घर की हालत क्या है, तो आपको वीडियो में दिखा होगा कि सारी चौकटें विंडो सब उतर गई है। और अब शाम को फोन आया था कि वो शीटें ब्लू शीटें लग गई हैं पीछे, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि अब खैर शीटें तो फर्स्ट लेवल तक ही हैं, उसके ऊपर तो नहीं है, दिखाता हूँ एक बार आपको। ये लगी पड़ी शीटें, और भाई ह्यूमिडिटी के चक्कर में बार बार साफ़ करना पड़ रहा है, ये देखो कितना गंदा हो गया कैमरा दोबारा से। हाँ स्टूडियो से आए हैं स्पेशली बस ये देखने शीटें कैसी लग रही हैं। कल जो आपने शॉट देखा था, मैं डेट का आपको आइडिया देता हूँ, आज 17 जुलाई हो रही है, कल 16 जुलाई का आपने शॉट देखा था, टूटे का आज और ज़्यादा टूट गया है, फ्लू गया है, और शीट भी लग गई है, तो मैंने आपको दिखाई दी थी। मैं सिर्फ घर पे आया था देखने के लिए, क्योंकि ना मेरे को पता था एक आधी फोटो रहेगी, तो मैं कहा ज़रा वो भी चेक कर लें एक बार। खुल गया तो फ्लोर पूरा तो हल्दी से। भैया कोई फोटो रहेगी थी क्या अंदर? अंदर कोई फोटो बची हुई थी? अच्छा वहाँ थी, ले गए वो। हाँ हाँ हाँ
true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. One day आज हो रही है 18 जुलाई। 18 जुलाई को आज स्टूडियो का हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो हम लोग घर देखने आ गए हैं। इसने तो आज ही देखा सामने से बेचारे ने, और घर काफ़ी हद तक लेंटर तो काफ़ी हद तक टूट ही गया है। सिर्फ रसोई का थोड़ा सा ये बचा हुआ, बाकी मैं दिखाता हूँ। ये ड्राइंग रूम होता था हमारा, ये ड्राइंग रूम का जो फॉल सीलिंग हुई पड़ी थी वो तो पूरी खुल गई है। ये ड्राइंग रूम का तो हो गया, ये हमारा बेडरूम होता था, ये भी खुल गया पूरा। ये दूसरा बेडरूम था, अब सब कुछ था बोलूँगा मैं। अच्छा, बाथरूम का भी बचा हुआ है, बाथरूम का भी लेंटर टूटना बचा हुआ है, भैया कह रहे हैं कल तक पूरा खुल जाएगा। और ये लॉबी का बचा हुआ है, रसोई का भी खुलना शुरू हो गया है। ऊपर आके देख के आ रहे हैं, और अभी भैया ये बता रहे थे कि लेंटर टाइट है इस घर का, मतलब 32-33 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन भी बड़ी एकदम बढ़िया हुई पड़ी है। हाँ, ये वाली मशीन है लेंटर तोड़ने के लिए, ये भी। अब हम आए हैं छत पे देखने के लिए क्या हालत हो गई है। ये ऊपर मिट्टी डली थी ताकि नीचे का ठंडा रहे, नीचे गर्मी ज़्यादा ना जाए। लेंटर में मिट्टी डली हुई थी, मतलब ईंटों के नीचे। कह रहा है एक थोड़ा मैं मारूंगा। हरप्रीत तो कह रहा था, कहते इसे उठाया नहीं जाएगा। सो दिस वॉज द सेकेंड सरप्राइज गाइज। तो हमारा जो घर है जहाँ पे हम लोग रह रहे थे वो दोबारा बन रहा है आफ्टर 31 ईयर्स। अभी मैं अपने दूसरे घर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ये छोटे भाई ने लिया हुआ है, तो दिस इज़ नॉट लाइक फैमिली ओन हाउस, ये छोटे भाई ने अपने से लिया है ये वाला घर। और दूसरा घर अब बन रहा है, तो ये रीज़न था कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो रहे थे जाने से, टूटना भी स्टार्ट हो गया, आपने वीडियो में देख ही लिया है। तो लेआउट वगैरह पर अभी काम चल रहा है, तो इसके बाद अब जो थर्ड और फाइनल सरप्राइज़ है वो वाली वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है। मोस्ट ऑफली एक या दो वीडियोस के बाद मैं वो वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि एग्जैक्टली थर्ड सरप्राइज़ क्या है जिसके चक्कर में मैं लेट हो रहा हूँ। दैट इज़ अ होल एंड सोल सरप्राइज़, जिसके चक्कर में मेरा पूरा प्लान लेट हुआ है। वो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, क्योंकि वो एक अच्छा खासा टर्निंग पॉइंट होने वाला मेरे लिए। होपिंग फॉर द बेस्ट। सो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड जो जो हो सकता है बेल आइकन भी अगर कुछ रह गया हो। जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर, गाइस वेलकम टू मनप्रीत एंड हरप्रीत। माई नेम इज़ मनप्रीत, माई वाइफ नेम इज़ हरप्रीत। आप लोग सब्सक्राइब करो, हमारे पिछली वीडियोस भी देखो। हम लोग कैनेडा गए थे, कैनेडा से इंडिया वापस आए हैं। कुछ 3 सरप्राइज़ है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से पहला सरप्राइज़ कि हमने, मतलब छोटे भाई ने ये वाला घर लिया है जहाँ पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा सरप्राइज़ कि हमारा घर जहाँ पे हम रह रहे थे वो टूट के दोबारा बन रहा है फ्रॉम स्क्रैच। तीसरा सरप्राइज़ आने वाला जल्दी। बाय।